हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबको आपके चैप्टर 5 लेसन 5 औद्योगिकरण का युग क्लास 10 को पढ़ाऊंगी। आपने कभी अपने आसपास नज़र दौड़ाई है? हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे रहते हैं। आप अपने घर पे ही देखो, टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, एक स्विच ऑन करते ही फैन चालू हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब औद्योगिकरण का ही परिणाम है। जितने भी मशीनरीकरण आए, जितने भी विकास हुआ, ये सब सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हमारी डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए हुआ है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है औद्योगिकरण का युग। 1750 से 1850 के मध्य हुए औद्योगिक क्रांति वस्तुतः नए तकनीक आविष्कार, बड़े कारखानों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सकारात्मक बदलाव थी। इसके कारण कारखाना पद्धति का विकास हुआ। सामाजिक व आर्थिक आधारित संरचना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। ब्रिटेन में 1780 और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ था उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और वहां बहुत ज़्यादा आविष्कार हुए थे। हाथ से काम करने की जगह मशीनों ने अपनी जगह बना ली थी। अब सवाल यह उठता है कि यह ब्रिटेन या इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई? तो बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। आप जानते हो कि कहीं पे भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई कारण और कार्य का संबंध जुड़ा रहता है। इसी तरह इंग्लैंड में भी यह स्थिति उत्पन्न हुई जिसने औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अनुकूल भौगोलिक स्थिति यानी समुद्री संसाधन, बंदरगाह, विकसित जलपोत, जल विद्युत सुविधा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुगम साधन, कोयला, लौह अयस्क, इन सभी की प्रचुरता ने इंग्लैंड में औद्योगिकरण को संभव बनाया। इंग्लैंड में हुई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन जो हुआ 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में व्यापारिक क्रांति हुई जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास होता है, वो बहुत मजबूत हुआ और इस औद्योगिक क्रांति में इस वर्ग की अलग भूमिका रही। जो मध्यम वर्ग थे उनकी अलग ही भूमिका रही थी। व्यवसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, बैंकिंग बीमा का विकास हुआ और नए नए औद्योगिक केंद्रों का उदय हुआ। अब घरेलू उत्पादन पद्धतियों के स्थान पर कारखाना पद्धति ने जगह बना ली थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पूंजी की एकत्रीकरण बहुत ज़्यादा हुआ था। औपनिवेशिक शोषण के रूप में भारत से प्राप्त उपहार या इनाम के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में होने के कारण उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न यह था कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड से सस्ते श्रमिक सरलता से उपलब्ध हो जाते थे। किसको? इंग्लैंड को। कृषि क्रांति के फलस्वरूप कृषि में कई नए तकनीक इस्तेमाल किए जाने लगे जिससे गांव में भू मालिकों की संख्या बढ़ती गई और ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई जिसने क्रांति को संभव बना दिया। परिवहन क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सड़कें, नहरें, रेलगाड़ियां बनाई गई और 1789 ईस्वी में ब्रिजवाटर ने नहर व्यवस्था आरंभ की। अंग्रेजों ने टर्नपाइक नामक निजी सड़क बनवाई भाप शक्ति द्वारा
संचालित जहाज बनाए गए, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था में बदलाव के कारण यह क्रांति संभव हो पाई। बच्चों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक विकास को जन्म दिया था। 1703 ईस्वी में जॉन के नामक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। 1764 में जेम्स हरगिव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई। 1769 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन बनाई। 1785 में आर्कराइट ने ही पावर लूम की खोज की, जिससे बुनाई और उन्नत हो पाई। इतना ही नहीं, हम्फ्री ने सेफ्टी लैंप का निर्माण किया। इन यंत्रों के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में कल कारखानों का खुलना संभव हो पाया। अब आप समझ चुके होंगे कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से क्यों शुरू हुई थी, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट यह भी है कि ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता, सरकारी सहयोग, नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने में सफलता मिली। मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। कृषि दासता एवं श्रेणी व्यवस्था समाप्त हुए। प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार उद्योग लगा सकते थे। तो बच्चों, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। अब आपको ये समझना है कि औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ, तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। बट आज का आपका ये लेसन का होमवर्क है कि आपको आंसर लिखना है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और मेरे द्वारा दिए हुए होमवर्क को आप जरूर से ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।